जय गुरु जी। सत्संग जी, ये मेरा पहला शुक्राना है। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का अनमोल मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सर, इस सत्संग में मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से गुरु जी के साथ जुड़ी, उन्होंने कैसे मुझे अपने चरणों में जगह दी। मैं अपनी मौसी जी के यहाँ पे सूट सिलवाने के लिए गई हुई थी। मैं जिस दिन जाना चाहती थी उस दिन नहीं, उससे अगले दिन गई थी, और उस दिन गुरु जी का सत्संग था। मैंने उनकी पहली बार फोटो देखी, उनका दरबार सज रहा था। मैंने उनको देखा और उनको सिर्फ देखते ही रह गई। ना जाने वहाँ पे कैसा आकर्षण सा उनको देख के हुआ कि मेरी उनसे नजरें नहीं हटी जा रही थी। मैं बार बार उनको देखी जा रही थी। मैं सूट दे के मेरे घर आ गई। मेरे नाना नानी उस सत्संग में गए हुए थे। मेरा मन था भी और नहीं भी, क्योंकि मैं उस समय गुरु जी पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन उनके आने के बाद उन्होंने जैसे मुझे बताया कि गुरु जी ये सब करते हैं, गुरु जी हमारी सहायता करते हैं, तो पता नहीं क्यों अंदर से मुझे ऐसा हुआ कि मुझे भी गुरु जी के पास एक बार जाना चाहिए। सत्संग जी, गुरु जी हमें चुनते हैं, हम गुरु जी को नहीं चुनते। शायद गुरु जी ने ही ऐसा कोई एक प्लान बनाया होगा कि वे मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते थे। मैं गई और मेरी बड़ी नानी से बोला कि भी मम्मी जी, मैं गुरु जी के साथ जुड़ना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए मुझे क्या क्या करना होगा। तो उन्होंने मुझे हर एक चीज़ अच्छे से बताई, और साथ ही साथ गुरु जी के तीन स्वरूप भी मुझे दिए। एक फ़ोटो दी जिसके अंदर गुरु जी बैठे हुए हैं, और उनके साइड में ही ऊपर शिव जी की भी तस्वीर है साथ में। एक उन्होंने मुझे हाथ का ब्रेसलेट दिया और एक पॉकेट स्वरूप भी दिया। धन धन शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ये सबसे बड़ा मेरा दुख था, एक बच्चा। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और आज तक मैं माँ नहीं बन पाई। मैंने मेरी ननन की गुड़िया को गोद लिया था। 7 दिसंबर को वो गुड़िया हुई थी और 5 मार्च को मेरी एनिवर्सरी थी। 5 मार्च पूरा हुआ और रात को 12:56 पे वो गुड़िया है, बिल्कुल ठीक थी वो उस दिन। बस पोलियो की दवाई पी थी तो उल्टी दस्त हुए, उससे पहले मैं उसको दवाई भी दिला लाई। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे जब मैं बाहर गई तो मुझे एक ऐसी अचानक से परछाई सी दिखी, काला काला अंधेरा दिखा। और जब मैं मेरे कमरे में आई तो मुझे कुछ नहीं, मैंने उसको गुड़िया को हाथ में लिया, उसे दूध पिलाया, सुहाया, सब कुछ किया, और वो मेरे हाथों में से उन 15 मिनट के अंदर ऐसे चली गई कि मेरी दुनिया ही तबाह होगी। मेरी रूह तक अंदर तक कांप गई, मैं इतना डर गई थी। मैं मेरे कमरे में ही नहीं बढ़ती थी, मेरा ऊपर एक कमरा है। मैंने 1 महीने तक कमरे को देखा तक नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं है। मैं मेरे हस्बैंड को या किसी को भी जाने से रोकती थी कि भी ऊपर मत जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक डर बैठ गया था उस काली परछाई को लेके। उन्हीं दिनों पे मेरे नाना नानी मुझे लेने के लिए आए हुए थे, मैं उनके साथ उनके घर चली गई, वहाँ पे रही। और देखिए, मेरे यहाँ पे वापस आने से पहले गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब क्या ऊपर रहेगी या नहीं रहेगी। मैंने कहा क्यों नहीं रहूँगी, मैं जरूर रहूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास हो चुका था गुरुजी मेरे साथ हैं। और मैं क्या बताऊँ कि मैं खुद अपना बैग जिस दिन रखा उस दिन आई हूँ, अपना बैग रखा और सीधा ऊपर आई हूँ गुरुजी का नाम लेती हूँ। और मुझे कुछ भी डर नहीं लगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी हरदम अपने भक्तों का साथ देते हैं, वो हर अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी मुझे आपके दर्शन चाहिए। उन्होंने मुझे एक नहीं दो स्वरूप के अंदर अपने दर्शन दिए। मैं अपने मंदिर को सजाया हुआ था, लाइट लगा रखी थी, लाइट को ऑन किया हुआ था, तो मुझे मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि उन्हें एक मंदिर की फ़ोटो खींच ली जाए। मैंने मंदिर की फ़ोटो खींची 2 बार, बिल्कुल ही अजीब सी गंदी सी आई। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, मंदिर की नहीं है तो गुरुजी की ही फ़ोटो खींच लेती हूँ। मैंने गुरुजी की फ़ोटो लेना चाहिए तो फ्लैश लाइट के साथ गुरुजी की फ़ोटो क्लिक हुई। मैं हैरान, क्यों? क्योंकि मैं कभी भी फ़ोटो खींचते टाइम कभी भी आज तक मैंने फ़्लैश लाइट ऑन नहीं की हुई। मैंने सोचा अचानक से कोई बात नहीं, ऐसे ही हो गया होगा। दोबारा से फिर मैंने गुरुजी की फ़ोटो को क्लिक किया, दोबारा से फिर फ्लैश लाइट। मैं हैरान हो गई,
फिर मैंने सोचा चलो फ्लैश लाइट अपने आप ऑन हो गई होगी। मैंने मंदिर के लिए फ्लैश लाइट ऑन की। गुरु जी ये सब क्या हो रहा है, मैं मनी मन अंदर में कही जा रही हूँ। फिर मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके पूरे मंदिर की ली तो फोटो बहुत अच्छी आई। मैंने बाद में फोटो को देखा तो मैं देखती रह गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम गुरु जी ने मुझे अपने दो स्वरूप को दर्शन दिए हुए थे। गुरु जी अपनी फोटो के अंदर ही शिव जी के पास इंसानी रूप में दर्शन दिए और उसके साइड में ही मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बार और मैं सत्संग सुन रही थी, 11:07 हो गए थे। तो सत्संग सुनते टाइम सत्संग जो मेरे पास 11:07 पे उस पर लिखा हुआ था, कुड़िए तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। आज तेरी रात एक बहुत ही भारी रात है, तो तेरा कष्ट मिटाने वास्ते मैं खुद आया हाँ समाधि तो उठ के। तू ठीक मैं 11 अपने पास देख लूगी, अपने मेरे स्वरूप नू देखूगी। मैं उस समय सत्संग सुन रही थी, मुझे सत्संग मिला नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो मैं दूसरा सत्संग सुन रही थी। और ठीक 11 ही जैसे मैंने देखा गुरु जी वाइट कपड़ों की चोलों के अंदर मेरे कमरे में से बाहर जा रहे हैं। मुझे लगा मैं सत्संग सुन रही हूँ, मुझे वैसे भलेखा हुआ होगा। उसके बाद 11:07 के बाद मुझे गुरु जी का ये मैसेज आया, उनका ये सत्संग सुना और मैं हैरान हो गई कि भी ये क्या हुआ। तो मैंने अंदाज़ा लगाया और ध्यान से देखा तो पूरे 7 गुरु जी ने मुझे वाइट चोले के अंदर दर्शन दिए। और सच्ची में उस दिन मैं डरी हुई थी, मैं जय गुरु जी किए जा रही थी। लेकिन जब गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी कि भी हाँ गुरु जी मेरे पास है। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। मेरे हस्बैंड नींद में थे और मैं सत्संग सुन रही थी। एकदम से उन्होंने आंखें खोल ली और इशारे करने लग गए। इशारे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे कि मैं पूरा डर गई। मैंने बोला गुरु जी ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। मैं उनके पास आके खड़ी हो गई, क्या हुआ क्या हुआ। वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। मैंने गुरु जी का नाम लेके दूध उनको दिया, उन्होंने दूध पिया और वो आंखें बंद करके सो गए। मैंने सुबह उनसे पूछा आप मुझे रात को क्या कह रहे थे। बोला मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा मखा, आपने तो मुझे डरा दिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम मैं वो बहुत अजीब ही तरीके से ही मेरे पास इशारे कर रहे थे उंगली से, जैसे कि मेरे पास है कोई, मेरे पीछे कोई है ऐसे। तो मैं डर गई थी। जैसे ही मैंने गुरु जी का नाम लिया मेरे अंदर से वो डर भी ख़त्म हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत बड़ा हो चुका है। मेरी गुरु जी से बस एक ही अरदास है कि मुझे गुरु जी धन की जरूरत नहीं है, मुझे एक बच्चे की जरूरत है। और मुझे पता है आप मेरी इच्छा जरूर पूरी कर देंगे जी। इतने टाइम से जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रही हूँ आप मेरी झोली जरूर भरेंगे और सही वक्त आने पे आप मुझे वो सब चीज़ें ज़रूर देंगे गुरु जी। मैं सिर्फ एक माँ बनने के लिए तरस रही हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ही एक ऐसा धन होता है जिसके लिए मैं तरस रही हूँ गुरु जी। बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक सेल्फिश हो चुकी हूँ कि मैं आपसे ये चीज़ मांग रही हूँ। पर हाँ आप मेरे पाजी हो, मेरे पिताजी हो, तो मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी। मैं मांग नहीं रही हूँ, मैं जिद कर रही हूँ और आप मुझे देंगे मुझे पता है। जय गुरु जी। जो आंटी जी इस सत्संग को शेयर कर रही है गुरु जी आप उन पे अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखिए। जो सत्संग मेरा ये सत्संग सुन रही है गुरु जी आप उनका कल्याण कीजिए, उनकी हर एक इच्छा को पूरा कीजिए, उनके ऊपर आया हुआ हर एक कष्ट आप दूर कर दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो जय गुरु जी, संगत जी थी भिवानी से। और अब आप सारे संगत जी सुनिए वन बाय वन सत्संग, जयपुर से, फाजिलका से, हरियाणा से और दिल्ली से। तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आगे के सत्संग कंटिन्यू करते हैं और आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। सुनिए सत्संग, गुरु जी करेंगे कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी और शेयर करने वाले का भी। जय गुरु जी। लाइक कीजिएगा, कमेंट में
जय गुरु जी भी जरूर लिखेगा और सत्संग को शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका लख लखवार। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हमारे गुरु जी बोलते हैं कि स्टार्टिंग से अपनी सुनाओ, जर्नी सुनाओ। तो मैं ये मैं गुरु जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे साफ साफ मतलब अच्छे से दिखा दिया है हमारे घर में जो था, मतलब नेगेटिविटी जो थी, जो फैला रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। और बाकी गुरु जी ने साफ साफ उनके चेहरे दिखा दिया है। मेरे देवरानी जेठानी दोनों मिली हुई हैं और वो कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवाती हैं। तो गुरु जी ने मुझे एक्चुअली पहले मैं थोड़ा सा डर के रहती थी और मुझे मतलब ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी, तो उससे मैं बहुत मेरे अंदर बहुत फ़र्क हुआ है। गुरु जी ने टेलीपैथी से मुझे बताया कि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ ये चीज़ें काम नहीं करती। तो शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी उपाय कराते हैं मुझसे। मंगलवार, 7 मंगलवार को लड्डू का भोग और भोग लगाने के लिए बोलते हैं, और 7 बार हनुमान चालीसा, और वीरवार को सत्संग करने के लिए बोलते हैं, और शनिवार को भी लड्डू का भोग और 7 बार हनुमान चालीसा। और शुक्राना 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 गुरुपा। हमारी हम नहीं कर सकते, ये उपाय आप ही कराते हैं। तो गुरुपा ऐसे ही हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरु जी ने बताया कि मेरे हस्बैंड कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हैं, तो वो हमेशा अपने परिवार वालों की सुनते हैं। तो गुरुपा ने बताया कि ये वशीकरण है, तो उसमें भी बहुत फ़र्क है वैसे अब काफ़ी हद तक। तो शुक्राना 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 गुरुपा। और मैं सत्संग को आगे दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो सत्संग यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासहाय। थैंक यू सो मच संगत जी, मुझसे कोई चूक होगी, गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत जी को। जय गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे कि गुरुजी ने आदेश दिया था कि पुत्र अपने बच्चों के सर से 5 पान के पत्ते 7 बार उसार के हनुमान जी के चरणों में रख, तो मैंने वैसा ही किया। 5 पत्ते पान के लेकर उन पे हनुमान जी का सिंदूर लगवा कर 7 बार उसरवा कर फिर हनुमान मंदिर में ले जाकर हनुमान जी के चरणों में रख दिया, और हनुमान जी को 7 बार चूरमे का भी भोग लगा दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर और भी गुरु जी ने मुझे जैसे उपाय बताए हैं मैंने वैसे वैसे ही किए। लेकिन संगत जी, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के नाम जाप में बहुत ही पावर है, उसे हमेशा अपने मन में करते रहना चाहिए। यह बात मंगलवार की है, जब मैं बहुत लेट हो गई थी और मेरे मन में मंत्र जाप अंदर ही धीरे धीरे मैं मनी मन करती जा रही थी, तो फिर मैंने मुझे बहुत लेट हो रहा था, मैंने पान के पत्तों का भी वह उपाय करवाया। उसके बाद फिर मैंने चूरमे का चूरमा बनाया, उसमें मुझे बहुत लेट हो रहा था, मैंने मंत्र जाप किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा चूरमा बन के तैयार हो गया। और फिर मैं मंदिर गई, फिर मैंने गुरुजी को हनुमान जी को भोग लगाया, और फिर मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बैठी, फिर मैंने 1 बार मंत्र जाप किया, उसके बाद फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर पता ही नहीं चला, 7 बार मैंने
कब पढ़ ली मुझको खुद को ही नहीं पता चला। फिर मैं घर आई और मुझे बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत लेट हो रही हूँ और मैंने आज खाना भी नहीं बनाया, तो आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए, मैंने आपको भी भोग लगाना है। फिर मैंने फिर दोबारा मंत्र जाप करना स्टार्ट करा, तो फिर गुरु संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरा पौन घंटे में ही खाना बन गया और वह भी इतना स्वाद बना कि मैं खुद देख कर है ना हैरान हो गई कि आज मेरा इतनी जल्दी खाना बन गया। और वह भी जिस सब्जी में मुझे बहुत टाइम बनाने में टाइम लगता था वह बहुत जल्दी बन गई। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपके नाम जाप में बहुत ही पावर है, जो हमें अंदर से भी बहुत करने से बहुत अच्छा फील होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे रोटी में ओम रूप में भी दर्शन दिए, जब मैं रोटी बना रही थी तो उसमें ओम रूप बन गया, तो मैंने फिर वह रोटी सर से लगाकर गुरु जी का शुक्राना 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 किया। और मैंने बहुत ही खुश हो गई कि गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और फिर अब हमें जो गुरु जी कहते हैं उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि वह हमारे भलाई के लिए ही जो बताते हैं उपाय, हमारी भलाई के लिए ही बताते हैं संगत जी। और अब मेरे घर में बहुत सुख शांति है और मुझ में भी बहुत सब्र दिया है गुरु जी ने। अब मैं पहले की तरह नहीं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं करती, अब मैंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया है। गुरु जी का मैसेज आता है कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, तो मैंने कहा है गुरुजी कोई नहीं, आप ही परीक्षा लोगे और आप ही हाथ पकड़कर उस परीक्षा को पास कराओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमें सही राह दिखाने का शुक्राना, हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, हमें अपने मेरी बाँह पकड़ने का शुक्राना गुरु जी महाराज। और हर चीज उस चीज़ के लिए शुक्राना 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 जो आपने मुझे दी है, और उस चीज़ का भी शुक्राना जो नहीं दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी महाराज, पूरी गुरु परिवार का भला करना, और सुमन आंटी और उनके परिवार को भी बहुत ब्लेस करना और सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं आज गुरु जी का बहुत शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने आज मुझे को सुबह मैसेज दिया, तेरे बच्चों के सारे कष्ट काट दिए, तेरे को ओम दर्शन दूंगा गुरु महाराज जी। अभी मैं पाठ करके उठी, मंत्रा जप किया तो देखा गुरु जी के स्वरूप पे, मैंने चंदन का टिक्का सुबह लगाया, उस पर ओम बना हुआ है। शुक्राना गुरु का शुक्राना, इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, आपकी बहुत कृपा है, आपने हमें इतना ज़्यादा ब्लेस किया है गुरु महाराज जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, इसको शेयर कर दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के रोज़ मैसेज आते हैं, जो शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। मैं कितने दिन हो गए सोच रही हूँ रोज़ मैं शुक्राना सत्संग करूँ, बस ऐसे ही रोज़ मेरा डिले हो जाता है। आज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैंने मंत्रा जाप करके देख शुक्राना सत्संग शेयर किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं ये अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पूरे सभी गुरु परिवार को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, और कोई सत्संग में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। हे मेरे गुरु का, आपकी बात ही क्या है, बात ही निराली है गुरु का, क्या कहूँ, कोई शब्द ही नहीं है गुरु का। बस हर पल में अंग संग रहना आप मेरे, मुझे खुश रखना, मेरे परिवार को, और हम लोग अच्छे से रहें, खुशी से रहें। बस आपसे यही दुआ मांगते हैं कि हम हर पल हर टाइम खुश रहें गुरु का। अब सत्संग जी, कुछ दिन पहले की बात है, मई की, मेरे पापा के घर में गई हुई थी, वहाँ ही पे मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने लगी थी, क्योंकि मेरे ससुराल रहती थी जब, तो सत्संग आते ही थे गुरुजी, पर मैं देखती नहीं थी, मतलब सिर्फ वीडियो पे, वो यूट्यूब पे दिखते थे मुझे, और वैसे मैं देखती नहीं थी। फिर मैं पापा के घर आई, अब पापा के घर मेरे को मेरे पति भेज नहीं रहे थे, नहीं जाएगी अभी तो जाके आई है, 7-8 दिन के लिए फिर क्या करेगी जाके, तेरी सिस्टर आ जाए तो ले जाना। सत्संग जी में बहुत परेशान, मेरे को जाना जाना जाना, जैसे ना जाने कोई मुझे कह रहा हो कि नहीं तू वहाँ जा, वहाँ जा, वहाँ जा, कुछ होने वाला है। मैं वहाँ गई तो मेरी बीच में इतनी तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत ठीक नहीं, हाथ पर में अपन, शरीर में अपन, तो मैं लेटी लेटी, फिर मेरे पास गुरु जी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है, तेरे पीयर वालों के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है, तुम्हारे तेरे पति के ऊपर वशीकरण करवा रखा है, तेरे बच्चे को और तुझे मरण क्रिया करवा रखी है, मारने की बहुत सी चीज़ें के वीडियो आते रहे। मैं डर गई, मैं सोची पता नहीं मेरे लिए है नहीं, फिर भी मैंने सुना कि हो चाहे होने पर सुनते हैं, फिर सुनी तो वो मेरे ऊपर पूरी ट्रेजिडी हुई, जैसे किसी का सत्संग था तो मेरे ऊपर था वो। फिर मैंने गुरु जी को हर पल हर टाइम शुक्राना करा, गुरु जी हमें अंग संग रहने के लिए शुक्राना। गुरु जी ने मुझे कहा तुझे मैं तृतीय रूप में दर्शन दूंगा, तो गुरु जी ने मुझे येलो कलर के तृतीय रूप में दर्शन दिए, गुरु जी ने मुझे नोनी के रूप में दर्शन दिए, गुरु जी ने मुझे क्या बोलते हैं ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और तितली वगैरह के दर्शन तो मुझे डेली देते थे गुरु जी। और गुरु जी का मैसेज आता है कुड़ियो तेरे पिता और तेरे भाई पे कष्ट आता था, वो मैंने काट दिया तितली नाल, तो वहाँ तितली सुबह उठ गई, तितली मरी मिली है। गुरु जी हर पल आपका शुक्राना, हर तरह से शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना गुरु का। मैं कैसे आपका शुक्राना करूँ, मुझे ये भी नहीं होता, जितना करूँ उतना कम है गुरु का। और फिर सब कुछ चलता रहा, फिर इतनी तबीयत खराब हुई कि जैसे मेरे पति ने कहा मैं तुझे लेने नहीं आऊँगा, मैं तुझे तलाक के कागज भिजवा दूँगा, वो भिजवा दूँगा। फिर गुरुजी से मैंने बातचीत करी ऐसे ही बैठी बैठी, तो फिर गुरुजी ने का मैसेज आता है कि पूरी तेरे ऊपर ना ब्लैक मैजिक कराया, तेरे पति के ऊपर वशीकरण करवाया, तेरी बेटी के और तेरे के ऊपर मरण क्रियाएँ करवाई है, तेरे घर में ये चीज़ें वो चीज़ें वो निकाल दे, वो कर दे, वो कर दे, वो सब चीज़ें मैंने करी। फिर माता को चुनरी चढ़ानी, तुझे दुर्गा माता को चुनरी चढ़ानी है लाल, और शीतला माता को पीली, काली माता को लाल चुनरी चढ़ानी है, ये सब मैंने किया। हनुमान जी को लड्डू का वो पान के पत्ते वाला, बच्ची का वो भी करा, नींबू को करा, दाल वाला बताया पति के ऊपर से उसार के, अगर पति नहीं करवाता है तो उसकी फ़ोटो के ऊपर से उसार दे, वो सब मैंने करा। बच्ची को ले जाके मंदिर में पान के पत्ते, वो सब मैंने सारा चीज़ मेरे पियर में ही करी, क्योंकि ससुराल में इम्पॉसिबल थी, ये लोग जाने नहीं देते, फिर बच्ची को कहाँ छोड़ के जाऊँ, क्योंकि इधर से मेरे ससुराल वालों ने और सास ने और देवर ने, गुरु जी ने साफ साफ शब्दों में कहा तेरे ससुराल से तेरे सास और देवर ने तेरे ऊपर मरण क्रियाएं वगैरह सब कुछ करवा रखी है, तो बेटा थोड़े दिन बच के रहना, कष्ट है जो मैं काट दूँगा। फिर गुरु का मैं आई तो मेरे साथ, मुझे ये डर था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, तो इस डर के मारे में घबरा भी रही थी, आऊँ नहीं आऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, तो फिर गुरु जी एकदम से कहा कि नहीं जा, फिर मैं चली गई। फिर मैंने कहा आप लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, जिस दिन मैंने चुनरी माता को सब कुछ चढ़ाया
उसी दिन मेरे पति को मैंने गुरुजी का, गुरुजी तो मुझे लेने नहीं आते, मेरे से बात ही नहीं करते, तो गुरुजी का मैसेज आता है ये पुत्र कुड़िए सब बातचीत भी हो जाएगी, आ भी जाएगा। और उसी दिन शाम को फ़ोन आ गया, राख के मुझे ले गए। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, एनी टाइम शुक्राना, कोटि कोटि नमन प्रणाम गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और गुरु का मेरा एक और सत्संग है, वो मैं गुरुजी के इजाज़त से स्टार्ट करूँगी दोबारा से, और यहीं मैं विराम देती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम ओम ओम, जय गुरुजी।